है आजकल टीम बनाना, लेकिन फिर भी वो 20 स्टॉक्स की टीम क्या है आइए देखते हैं, फिर पिक करेंगे वहां से टॉप ट्रेड्स। दस की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन्स पर आएगी। बाजार का मूड बहुत अच्छा है नहीं तो अपन जरा वॉच आउट करेंगे, और आज इवेंट्स के लिए से लेस दिन है तो वैसे ही कॉशियस रहिएगा। खैर, लार्ज ट्रेड जो हुए थे उनको देखते हुए कोई शैली इंजीनियरिंग, कोई टीसीएनएस क्लोथिंग और कोई गुलशन पॉलीऑल्स को ग्रीन कर दिया। वेदांता की मंडे को बोर्ड मीट इंटरिम डिविडेंड पर, तो जय कॉर्प की आज बोर्ड मीट स्प्लिट या बोनस कंसिडर करने के लिए, इसीलिए रडार पे है। 197 कम्युनिकेशन को इसके आम को सरकार गवर्नमेंट की मंजूरी मिली। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कल है फ्राइडे के दिन AGR केस की सुनवाई फिर से, उससे पहले होप्स, और आज दिग्गज स्पेस का एक रिलायंस इंडस्ट्रीज की AGM भी शेड्यूल्ड है, तो मैंने कहा ग्रीन रखते हैं इस पॉकेट को। PB फिनटेक इंटरवेशन सॉलिड पेडिग्री की दोनों कंपनीज, खूब डिमांड, खूब अच्छे स्टॉक्स की चाल, आज लास्ट ट्रेड्स हैं, लार्ज ट्रेड के चलते लाल रखते हैं, लेकिन आई एम श्योर बहुत अच्छी डिमांड एपेटाइट होगी इन काउंटर्स को लेकर, तो देखेंगे दिन के दौरान किस तरह की चाल रहती है। 10 हो गए। ओके, खबरों पे पूरा फोकस, और पहली कंपनी है पिकाडिली एग्रो, जिसके पूरे पोर्टफोलियो को अब आर्म्ड फोर्सेस को सप्लाई करने के लिए CSD कैंटीन में अवेलेबल होगी, इंक्लूडिंग इंद्री जो वर्ल्ड की बेस्ट सिंगल मॉल्ट मानी जाती है। KSE इंटरनेशनल को एक 1171 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मिडिल ईस्ट से। जेनस पावर को 4,500 करोड़ का ऑर्डर, टोटल ऑर्डर बुक अब पहुंच गई है 32,500 करोड़। PFCREC पे UBS की बाई कॉल है और काफ़ी ऊंचे टारगेट दिए। लेमन ट्री ने एक और 72 कमरों का होटल उज्जैन में अपने पोर्टफोलियो में रख लिया। वेलस्पल लिविंग में प्रमोटर की ओर से काफ़ी बड़ी सेलिंग आज की जा रही है 5% डिस्काउंट पर। अडानी पोर्ट्स पर सेल से आउट परफॉर्म की कॉल, 1760 का टारगेट। मैक्स स्टेट फंड रेस करेगा, 31 को बोर्ड बैठा है, और सोनारा सॉफ्टवेयर को एक मल्टी मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। ओके, आपने टीम्स को देखा नीरज जी और आशीष की, और राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इन टीम्स में से। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन। वीरेन देखिए, आशीष जी की टीम में जो सबसे बढ़िया चार्ट है वो है जय कॉर्प का। एक प्लेटफॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद का दो दिनों का कंसोलिडेशन, तो यहाँ पे मोमेंटम मिलना चाहिए। 410-415 का टारगेट और स्टॉप लॉस होगा 385 का, कल का क्लोज है 392 का। नीरज जी की टीम देखे तो दो काउंटर अच्छे लगते हैं, PFCREC, तो उसमें से PFC पे बेट करूंगा, स्टॉप लॉस होगा 530 का, टारगेट है 560 का। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।